क्या आप भी इस बेयर मार्केट में कुछ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फार्म्स ढूंढना चाहते हैं जो थोड़े से रिस्की हैं बट रिवॉर्ड काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेबल फार्म्स या एज कम्पेयर टू सेफर फार्म्स? अगर आप भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ढूंढना चाहते हैं रिस्क को फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज करते हुए तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं पूरे 10 हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फार्म्स बताने जा रहा हूं। तो ये 10 फार्म्स कौन से हैं इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, और उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी और एक कमेंट ड्रॉप करना पड़ेगा ताकि YouTube को समझ आए कि ये कॉन्टेंट आपको अच्छा लग रहा है और YouTube हेल्प करे इस कॉन्टेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की। क्योंकि देखो यार, बेयर मार्केट बहुत लंबे टाइम तक भी हो सकती है फ्यूचर में, तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, और इस केस में मेरे को आपकी हेल्प चाहिए ताकि YouTube आगे लोगों तक हेल्प कर सके। सो विद दैट बीइंग सेड, ऐसे 10 कौन से फार्म्स हैं जो मैंने ढूंढ के निकाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे फार्म्स हम बीफी फाइनेंस पे ही करने वाले हैं, क्योंकि इसका रीजन मैंने कई बार एक्सप्लेन करा, यहाँ इंश्योरेंस भी है, एक ही ऐप के अंदर एक ही वॉल्ट के अंदर आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं। रिस्क ये है कि अगर बीफी हैक हो गया तो अगेन पॉसिबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क हो सकता है, बट उसका हेज यही है कि हम इंश्योरेंस लेकर चल रहे हैं। इंश्योरेंस के लिए मैं इंश्योरेंस आपको कई बार बता चुका क्योंकि वो मैं खुद कई बार यूज कर चुका, एंड जी नहीं उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए बताने के लिए, इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन दैट हैव। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, ये कौन से फार्म्स हैं जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। इन्हें मैं डीजन फार्म्स नहीं बोलूंगा बट स्टिल इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है और इम्परमानेंट लॉस के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा हैं, विच इन माय ओपिनियन इन लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करता इन फार्म्स के अंदर, बट काफी सारे लोग सोचते हैं शिट यार अगर इम्परमानेंट लॉस हो गया तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। ये हैं वो सारे फार्म्स जो मैंने यहाँ पे ढूंढ कर निकाले हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 फार्म्स हैं, तो सबसे पहले मैंने सारे के सारे फार्म्स के लिए गाइस टॉप के L1 लिए हैं जो टॉप 10 टॉप 15 प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं। अगेन पॉलीगन के लिए बहुत सारे लोग बोल सकते हैं इट्स नॉट इन L1, बट इसको मैं यहीं तक अभी तक कंसिडर करता हुआ चल रहा हूँ, मैंने नए चेन्स ज्यादा नहीं लिए इसमें। तो इथीरियम चेन के ऊपर हमने 3 फार्म्स लिए गाइस, BNB इथीरियम, मैटिक इथीरियम एंड FTM इथीरियम। यहाँ पर हमारा फोकस है गाइस कि हम ज्यादा से ज्यादा एसेट एक्यूमुलेशन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा L1 टोकन्स को अक्यूमुलेट कर सकें, और इस वजह से हम यहाँ पर स्टेबल पेयर यूज नहीं कर रहे। इस वजह से हम उन L1s पर फोकस कर रहे हैं जिनको हम अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो हमारा एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म को हेल्प कर सकता है। तो अगर आपके लिए वो Layer 1s मान लीजिए बाइनेंस है, इथीरियम है, AVAX है, तो आप पॉलीगन को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके लिए वो हो सकता है कि FTM हो, इथीरियम हो, बाइनेंस हो, तो आप AVAX और पॉलीगन को स्किप कर सकते हैं। FTM मैंने अलग से मेंशन नहीं करा क्योंकि FTM इन सब के अंदर ऑलरेडी कवर हो ही गया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 5 Layer 1s है हमारे पास, इथीरियम, बाइनेंस, FTM, AVAX एंड पॉलीगन। अब गाइस यहाँ पर मैंने एक आइडियल केस फार्म एलोकेशन भी रखी है उन लोगों के लिए जो सारे के सारे फार्म्स में थोड़ा बहुत एलोकेशन चाहते हैं या सारे Layer 1s को अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो ये एलोकेशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये 100% एलोकेशन है। अब गाइस अगर हम फार्म देखें तो हमारे पास सबसे पहले BNB इथीरियम फार्म है जो हमारा बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, एंटायरली पैसिव है। यहाँ पर गाइस हमारी एनुअल यील्ड 6% है, यानी 3% आपको BNB टोकन में मिल रहा है और 3% आपको इथीरियम टोकन के अंदर मिल रहा है। अब इसका ही एक काउंटर फार्म गाइस हमारे पास यहाँ पर ETH BNB भी है, जो अगेन हम बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बीफी के अंदर देख सकते हैं। यहाँ डिफरेंस TVL का है, तो यहाँ 43,000 का TVL पे हमें 7% मिल रहा है और यहाँ 1.8 मिलियन के। तो अगर यहाँ TVL डबल हो जाता है गाइस तो मोस्ट लाइकली ये APY हाफ हो सकती है। तो इस वजह से आईड सजेस्ट अगर आपको ETH BNB फार्म करना है तो आप यहाँ जाके बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बीफी का 6% वाला वॉल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हमने चूज करा है इथीरियम के अंदर मैटिक एंड इथीरियम, एंड यहाँ पर गाइस हम इसको मैटिक चेन पर फार्म करेंगे। 23% APY है इसका बीफी के अंदर। जी हाँ गाइस, ये काफी खतरनाक लेवल पे मैटिक इसको प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर बीफी भी काफी खतरनाक लेवल पे इसको प्रमोट कर रहा है। एंड अगेन मैटिक इथीरियम में हम जो अपना 23% देख रहे हैं तो रफली हमें मैटिक और इथीरियम के 12-12% टोकन एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। सेम चीज गाइस यहाँ पर ETH FTM का है, अगर आप चाहें तो आप इसको FTM पे फार्म कर सकते हैं, एंटायरली पैसिव एंड ऑलमोस्ट सिमिलर गाइस हमारे पास APY है। ओनली डिफरेंस कि इसका TVL काफी छोटा है, तो अगर TVL डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाएगा तो ये APY वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए गाइस ETH के टॉप फार्म्स हैं। अगर मान लीजिए आप FTM को नहीं एक्यूमुलेट करना चाहते तो आप इसको जीरो कर सकते हैं और इन दोनों फार्म्स को आप 20-20 कर सकते हैं, तो भी आपका एलोकेशन 100% ही रहेगा। अब आगे चलते हैं गाइस हम बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर।
बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर मैंने यहाँ सॉल भी इंक्लूड कर लिया था, क्योंकि काफी सारे लोग बोल सकते हैं कि रे यार सॉल भी हमें चाहिए। तो अगेन, सॉल में अगर आपका बिलीफ है तो ग्रेट, अगर नहीं है तो आप इसे जीरो भी कर सकते हैं। सॉल बीएनबी गाइस, ये बीफी पर अवेलेबल है 15% APY के साथ, कम टीवीएल है, बट स्टिल दिस इज अ फीजेबल ऑप्शन। एवैक्स बीएनबी, अगेन बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ये सारे के सारे फार्म्स हैं, अराउंड 11% आपको APY मिल रहा है, यानी दोनों टोकन्स में लगभग 5.5-5.5%, एंड हेल्दी टीवीएल मेरे को दिखता है। मैटिक बीएनबी का 22% यहाँ पर, तो अगर आप मैटिक अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, बीएनबी अक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो ये काफी अच्छा फार्म हो सकता है आपके लिए। काफी अच्छा टीवीएल भी है यहाँ पर, $1 मिलियन का लगभग। एंड ईथ बीएनबी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। एफटीएम बीएनबी अगेन गाइस, 41% का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बीफी के अंदर, $74,000 का ही अभी टीवीएल है। तो अगर आप देखेंगे पूरी लिस्ट में से, तो एफटीएम बीएनबी इज द फार्म जिसका हाईएस्ट एपीवाई है। बट अगेन, हमें एपीवाई चेस नहीं करना, हमें खाली वो L1s देखने हैं जिनमें हम बिलीव करते हैं। तो मान लीजिए आप सॉल में नहीं जाना चाहते, आप सॉल को जीरो कर सकते हैं। आप एफटीएम बीएनबी भी नहीं जाना चाहते तो आप इसको भी जीरो कर सकते हैं। एंड इस केस में आप एक्स्ट्रा एलोकेशन यहाँ पर से आप एवैक्स बीएनबी में 20 कर सकते हैं, मैटिक बीएनबी में 15 कर सकते हैं, ईथ बीएनबी में 15 कर सकते हैं। अगेन गाइस, अगर आपको एफटीएम में करना है, सॉल्व में करना है, तो आप कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट इलस्ट्रेटिंग दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टोकन अच्छा है या ये टोकन बेकार है। नेक्स्ट हमारे पास गाइस यहाँ पर नेक्स्ट है पॉलीगन मैटिक। यहाँ पे मैटिक एफटीएम का एक फार्म है जो मैटिक चेन पर ही है, और यहाँ 38% APY है, यानी 19% मैटिक टोकन, 19% एफटीएम टोकन आपको मिल रहा है, और टोटल टीवीएल 165K है। तो गाइस, जो टोटल टीवीएल है वो काफी अच्छी है इन कंपैरिजन टू, अगर हम देखें तो हमारे पास काफी छोटे फार्म्स भी हैं यहाँ पर, लेस देन 100K के, एंड 19% आपको दोनों उसमें मिल रहे हैं, मैटिक में भी और एफटीएम में भी। एंड फाइनली हमारे पास गाइस है एवैक्स एफटीएम, जो एफटीएम चेन पर है और यहाँ पर भी है इंटायरली पैसिव फार्म। 38% यहाँ पर APY है अगर आप देखते हैं इसको, और लगभग 176K का ऑलमोस्ट पॉलीगन जितना इसका टीवीएल है। तो गाइस अगेन, अगर आपको एफटीएम नहीं चाहिए तो आप इसको जीरो जीरो कर सकते हैं। इन दैट केस आप अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं टूवर्ड्स फार्म्स जो आपको चाहिए, तो से आप इन फार्म्स में 20-20% कर सकते हैं। तो यू कैन प्ले अराउंड विद द नंबर्स, बट आई वुड रिकमेंड अ फ्यू थिंग्स गाइस। सबसे पहले तो गाइस, आपको एक से दो L1s वो चूज करने चाहिए जिनमें आप बिलीव करते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा गाइस इथीरियम है, मैटिक है और बीएनबी है। अब यहां पर आपको एलोकेट करना चाहिए ज्यादा ऑन L1s दैट यू वांट। तो अगर मैं आपको बताऊं ये पूरी फार्मिंग स्ट्रेटेजी मैं कैसे अपने लिए देखता हूँ, तो मैं गाइस इथीरियम और बीएनबी, क्योंकि मेरे लिए टॉप के कॉइन्स हैं, इनको मैं रखूंगा 20-20% पे, और साथ के साथ गाइस यहाँ पे मैं मैटिक को साथ में लेके चलूंगा इथीरियम के, और इसको मैं कर दूंगा अराउंड 10%, और मैटिक और बीएनबी को मैं अराउंड कर दूंगा 10%। तो ये मेरा 80% हो चुका। मेरे को ऑलरेडी सॉल यूएसडीटी का मेरा एक फार्म चल रहा है, तो मेरे को सॉल में ज्यादा एलोकेशन की कोई इच्छा नहीं है। बाकी मैं 30-40% का इस बाकी फार्म्स में कर सकता हूँ। एफटीएम भी मेरा अभी एक्यूमुलेट करने का कोई इमीडिएट सिनेरियो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं एवैक्स बीएनबी गाइस, मैं एवैक्स बीएनबी में भी थोड़ा सा एलोकेशन अपनी बढ़ा सकता हूँ, इन दिस केस 25%। मैटिक इथीरियम को मैं थोड़ा 15% कर दूंगा, एंड बीएनबी इथीरियम को मैं एक्चुअली मैं मैटिक बीएनबी को गाइस 25% कर दूंगा। सो दिस इज हेल्दी एनफ, क्योंकि मेरा बीएनबी इथीरियम अगर देखा जाए तो लगभग 40% हो चुका। हमारे पास मैटिक का भी अच्छा खासा एक्सपोजर आ चुका, एंड थोड़ा बहुत हमारे पास एवैक्स बीएनबी भी आ चुका। तो गाइस यहाँ पर मैंने ज्यादा फोकस करा है ऑन L1s दैट आई एम फोकसिंग ऑन, जो मेरे लिए इथीरियम बीएनबी एंड देन मैटिक एंड एवैक्स है। तो सेम चीज आप कर सकते हैं, एलोकेट लेस ऑन अदर L1s जो आप उतना अक्यूमुलेट नहीं करना चाहते, अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास $1,000 हैं या मेरे पास $1,000 हैं, तो मैं 1,000 में से 200 डाल रहा हूँ बीएनबी इथीरियम में, 250 डाल रहा हूँ मैटिक इथीरियम में, एंड 250 डाल रहा हूँ एवैक्स बीएनबी, 100 डाल रहा हूँ मैटिक बीएनबी, एंड 200 डाल रहा हूँ ईथ बीएनबी। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है गाइस, कि अगर आपके पास $1,000 हैं तो ईथ पूरा यूज करने के लिए आप, अगर मैंने वैसे इसमें ईथ चेन कोई लिया नहीं है, बट अगर आप मैटिक की तरफ भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपका एक इनिशियल ईथ का जो ट्रांजेक्शन है उसमें थोड़ी कॉस्ट हो सकती है। तो अगर आपका लेस देन $500 का फार्मिंग पोर्टफोलियो है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैटिक के लिए भी अगर आप ईथ से मैटिक जाएंगे तो आपकी थोड़ी बहुत एडिशनल फीस आ सकती है। तो आप इसको उस केस में स्किप कर सकते हैं, एंड देन एलोकेशन दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो यहां से गाइस आपको एक और चीज समझ आनी चाहिए कि APY हमें चेस नहीं करना, क्योंकि APY चेस करना इज द बिहेवियर टू गेट रेक्ट।
तो हमें खाली उन फार्म्स पे फोकस करना है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म इन द एसेट्स दैट वी वांट टू अक्यूमुलेट मोर ऑफ. एंड फाइनली गाइस, हमें एलिमिनेट करने हैं L1s दैट यू डोंट बिलीव इन और वी डोंट बिलीव इन. ओके, यहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हम उन्हीं L1s पे फोकस करें जिनमें हमारा एक फंडामेंटल बिलीफ है, एक फर्म बिलीफ है, और हम उनको हटा दें जिनमें हमारा फंडामेंटल या फर्म बिलीफ नहीं है. तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि आपको कौन कौन से फार्मिंग स्ट्रेटजीज को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. ये थोड़े से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, एंड यहाँ सबके लिए मैंने आपको बताया कि आप बीफी ही यूज करेंगे. बीफी पर अगर आप आके ढूंढते हैं तो आपको ईथ बीएनबी के फार्म्स मिल जाएंगे गाइस. ऐसे देखिए ईथ बीएनबी यहाँ 6% दिखा रहा है, यहाँ 5% दिखा रहे सारे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर. अगर आप गाइस मान लीजिए मैटिक ढूंढते हैं बीएनबी, तो मैटिक बीएनबी यहाँ लगभग 20% दिखा रहा है. अगर हम एवैक्स बीएनबी ढूंढते हैं तो यहाँ लगभग 9% दिखा रहा है. परसेंटेज चेंज होते रहते हैं जब मैंने, क्योंकि टीवीएल चेंज होता है, तो मैंने जब नंबर्स नोट करे हैं मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के टाइम के हिसाब से करें, तो नंबर्स के हिसाब से अगेन परसेंटेज के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है. इसी वजह से एपीवाई चेस मत करना. एपीवाई चेस करने के चक्कर में यू विल पे अ लॉट ऑफ फीस, क्योंकि आप फार्म्स स्विच करते रहेंगे एंड यू विल गेट रेट. तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हो. मैं इनमें से करेंटली किसी फार्म में नहीं हूँ, जस्ट एज अ डिस्क्लेमर. मैं गाइस अभी खाली स्टेबल फार्म्स में हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वी हैव वन मोर फाइनल लेग डाउन. तो वहां पर जब मैं अच्छे एसेट्स को एक्युमुलेट करूंगा तब मैं ये थोड़े हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फार्म्स में अपनी एलोकेशन शुरू करूंगा. अभी के लिए मैं खाली एक तरफ L1 और एक तरफ स्टेबल कॉइन फार्म्स के अंदर ही हूँ मेनली. तो दिस इज इट गाइस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. कोई और फार्मिंग से रिलेटेड टॉपिक है जहां पर आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे कॉमेंट्स में वो चीज बताओ. वीडियो अच्छी लगी तो यू नो द ड्रिल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस. This is me. I'll sign off here and I'll see you in the next video, guys. Bye.